एक अलग ही मजा आता है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल वालकम आदाब। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं हेलीपैड। तो हम मैं और मेरा भाई तैयार होकर निकल गए हैं। अभी हम जा रहे हैं जबलपुर और वहाँ कुछ देर रुकेंगे। सोच रहे हैं कि थोड़ा भेड़ाघाट घूम लें, अगर से टाइम मिला तो भेड़ाघाट घूमेंगे, नहीं तो सीधे घर निकल लेंगे। तो देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। तो अभी तो चलते हैं क्योंकि हमको 7 बजे निकलना था, मगर अभी निकलने में हमने 9:30 बजा दिए हैं। तो इस वजह से सोचना पड़ रहा है कि वहाँ जाए कि नहीं जाए। अगर से जल्दी पहुँचते हैं तो बाकायदा अपन घूम घाम कराएंगे, नहीं तो फिर आगे देखेंगे कभी। तो अभी हम निकल चुके हैं मैहर की ओर। हमको लग रहा था कि काफी ज्यादा टाइम लगेगा, मगर जैसे ही पहुंचे हम यहाँ पर वैसे ही गेट खुल गया, तो हमारे लिए काफी अच्छा हुआ, नहीं तो यहाँ पर 15 से 20 मिनट जाते। से निकलने के बाद ये पहला टोल प्लाजा अपन ने करने वाले हैं और यहाँ देखो पार किया हमने। सतना से मैहर जाने के लिए केवल 40 किलोमीटर है, मगर इतने ही 40 किलोमीटर को पार करने के लिए काफी ज्यादा समय लग जाता है। पहुंच चुके हैं मैहर। कुछ ही देर में हम यहां से नेशनल हाईवे पे चढ़ेंगे जो हमारे को सीधे कटनी तक ले जाएगी। तो सीन ऐसा हुआ था कि अपने टायर में एक कील चुप गई थी, तो हाँ इसी में फेंक दिया कील, कील फेंक दिया। ऐसा है कि अपने जो गाड़ी का टायर है उसमें कील चुप गई थी, तो इस वजह से ऐसा लग रहा था कि टायर पंचर हो गया, मगर वो ज्यादा अंदर नहीं गई जिस वजह से अपना पंचर होने से बच गया टायर। तो अभी हवा चेक करा रहे हैं, उसके बाद निकल देंगे। हम पहुंच गए हैं अभी कटनी, और अभी कटनी बाईपास में हम तो लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है, और देखते हैं आगे कितना चला पाते हैं गाड़ी। Few moments later. आज मैंने खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लगभग 160 से 165 किलोमीटर लगातार नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई है आज मैंने, एक भी स्टॉप नहीं लिए, जो मेरे लिए आज तक के सबसे बड़ी लंबी नॉन स्टॉप ड्राइव है। और हम अभी जबलपुर के अंदर एंटर हो चुके हैं, और कुछ ही देर में भेड़ाघाट मुड़ने के लिए एक रास्ता आएगा, वहाँ से मुड़ जाएंगे। और रास्ता पास में आ गई है, और यहीं से राइट साइड में हमको मुड़ना है भेड़ाघाट के लिए, तो चलते हैं। गूगल मैप ने हमें कुछ अलग ही रास्ते में डाल दिया है, मगर जिस रोड से हम आ रहे थे उसी रोड को सीधा फॉलो करते हुए जाते तो हम भेड़ाघाट पहुंच जाते, मगर कोई बात नहीं, इस रोड से भी हम भेड़ाघाट पहुंच सकते हैं। अब पता नहीं गूगल मैप ने इस रास्ते को क्यों लिया। और अभी हम पहुंच चुके हैं भेड़ाघाट, बहुत ही ज़्यादा अंदर से खुशी मिल रही है यहाँ पहुंचने के बाद। तो ऐसा है कि अभी हम पहुंच चुके हैं भेड़ाघाट, और यहाँ हमने पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा दी है, और इसी के बाजू में जस्ट रेस्टोरेंट है, तो इस रेस्टोरेंट में यहाँ पर थाली ऑर्डर की है, और अभी खाना आ रहा है, तब तक के बैठे हैं हम लोग।
फिर उसके बाद यहाँ के बाद खाना खाने के बाद अपन जाएंगे टूरिज्म में, वहाँ घूम के आएंगे। पहली बार आया हूँ मैं, मुझे पता नहीं कि यहाँ क्या क्या है, तो फिर देखते हैं आगे चल के। अब यहाँ पर किसी से पूछेंगे कि कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। तो यहाँ खाना आ चुका है, रोटी सब्जी दाल चावल, अभी खाते हैं। तो खाना खा के अपन निकल चुके हैं, अब चलते हैं टूरिस्ट प्लेस की तरफ। और यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खरीदने लायक हैं, खरीदने का बहुत मन हो रहा है मगर एक्चुअली रखने के लिए जगह नहीं है, इस वजह से खरीद नहीं पाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे संगमरमर की मूर्तियाँ और बहुत सारी चित्रकारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी देखने में अच्छी लग रही है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पर घूमने में। अभी तो एंटर ही हुए। खत्म होने के बाद सारे टूरिज्म प्लेस खुल चुके हैं, इस वजह से धीरे धीरे जो लोग अब घर में थे वो लोग अब बाहर निकलना चाहते हैं, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ओह माय गॉड, बाहर जितनी पब्लिक थी वहाँ से कई 3-4 गुना ज़्यादा यहाँ अंदर पब्लिक। तो यहाँ मेनली भेड़ा घाट में जो धुआधार के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर एक झरना है जिससे पानी गिरता है और उसका जो पानी दूध के समान दिखाई देता है, तो वही देखने अभी हम जा रहे हैं। यहाँ पर अंदर आने के लिए कोई टिकट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना कोई चार्जेस लगते, केवल आप आओगे तो आपको बाइक का चार्जेस लगेगा या फिर कार से आओगे तो कार का चार्जेस लगेगा पार्किंग के लिए, बाकी सब कुछ फ्री है यहाँ। और हम पहुँच चुके हैं यहाँ और वाओ हमारे को यहाँ पता चला है कि हम जहाँ आए हुए हैं ये धुआंधार है और इससे 1 किलोमीटर आगे जाकर आपको भेड़ाघाट मिलेगा। तो देखते हैं, टाइम रहेगा तो आगे भी जाने की कोशिश करेंगे, अभी तो पूरा यहाँ पर घूमते हैं। जो ये पानी गिर रहा है तो इसका जो गहराई है 150 फीट है, जिस वजह से अभी पानी का लेवल काफ़ी ऊपर है, इस वजह से हमारे को और पानी ऊपर से गिरते हुए अंदर बबल टाइप का दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जब ऊपर से पानी गिर रहा है तो वो नीचे जाकर टकरा रहा है और इधर बाहर आकर बीच में बबल टाइप दिख रहा है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा दूध दूध टाइप का पानी लग रहा है। तो फिर हम अभी झरने के पास से भी वापस जा रहे हैं, अभी थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं इस साइड एक रास्ता है वो कहां तक जाता है देखते हैं। तो यहां से एक रास्ता है मुड़ने के लिए, ये रास्ता कहां जाती है देखते हैं आगे चल के। तो ये रास्ता आगे चलकर वो वहां जाती है जहां से चारों तरफ अच्छा दिखाई देता है। अगर आप आते हो तो यहाँ से आने के लिए एक दूसरा रास्ता है जो कि जहाँ पार्किंग साइड है उससे थोड़ा आगे जाकर एक टर्न लो तो वहाँ से एक रोड आती है जो कि सीधे झरने के पास लेकर के आती है, जहाँ पर आपको ऊपर गाड़ी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली
यहाँ नीचे आ जाओगे। तो वो रहा झरना और हम आए हैं यहाँ पर। और थोड़ा ऊपर चढ़ना है अभी हमको, तो ऊपर चढ़ते हैं। तो हम आ चुके हैं ऊपर और ये देख पा रहे होंगे पीछे कितना प्यारा नजारा। तो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है यहाँ ऊपर आने पर। दो तीन साल पहले ऋतिक रोशन की मोहनजोदारो मूवी आई थी, उसकी शूटिंग यहीं पीछे इस नदी में ही हुई थी। अगर आपको अच्छे से मूवी देखी होंगी तो ये सीन जरूर याद आ रहा होगा। तो जिस ऑफ रोड की बात कर रहा था मैं, वो उधर से आती है, वो सामने जा कर के ऐसा गोल घूम के। तो यहाँ से भी आ सकते हैं आप लोग, या फिर आप अपनी पार्किंग यूज़ करके वहाँ पर पार्किंग भी यूज़ कर सकते हो, एज योर चॉइस। तो यहाँ पर हमारा पूरा घूम के हो चुका है। अब यहाँ से 1 किलोमीटर आगे भेड़ाघाट है, वहाँ चलते हैं और वहाँ कैसा है देखते हैं फिर। अभी तो पहले गाड़ी के पास चलते हैं फिर। तो अभी हमें पता चला है कि आज यहाँ पर भीड़ होने का कारण, क्योंकि आज है संडे, तो इस वजह से जितने भी कर्मचारी लोग हैं, जितने भी काम करने वाले लोग हैं, या फिर आउटर एरिया से आए हुए लोग या लोकल के लोग, सब लोग आज यहाँ पर एज अ पिकनिक मनाने आए हुए हैं और कुछ लोग घूमने भी आए हुए हैं। इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है। जनरली रोज इतनी भीड़ नहीं होती है यहाँ पर। तो हम अपनी बाइक के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ से सीधा चलते हैं भेड़ाघाट की ओर, जो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। Few moments later. तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं भेड़ाघाट में, और यहाँ भेड़ाघाट में बोटिंग के लिए फेमस है। और यहाँ पर भी वही दुकान, जो दुकान है धुआंधार में भी थी। इधर से जाते हैं, यहाँ से नहीं जाते भैया, जाते किधर से? अभी यहाँ से चलना, ऐसा घूम के आ जाएंगे। चलो अच्छा। और यहाँ पर उतना ज़्यादा घूमने के लिए नहीं है, केवल यहाँ पर बोटिंग की जाती है। तो यहाँ से घुमाने लिया ले जाया जाता है अंदर तक। ऐसा है कि हमारा अंदर जाने का प्लान था मगर हमने कैंसिल कर दिया, क्योंकि मेरे भाई को नहीं जाना था, तो इस वजह से कैंसिल कर दिया। टिकट भी लेकर हो चुकी थी। अब यहाँ पर उतना कुछ खास नहीं है, तो फिर यहाँ से चलते हैं। ऐसा है कि एक जो ये पीछे एक इमेज बनी हुई है, तो अंदर जाओ जो यहाँ से नदी बह रही है, जिसका कटाव भारत के नक्शे के समान है। और भेड़ाघाट और धुआंधार तो जाना ही जाता है संगमरमर के लिए। तो यहाँ पर जितनी भी मोस्टली चट्टाने हैं, सारी संगमरमर की बनी हुई हैं, और टूरिज्म इसी को देखने के लिए, और यहाँ का जो सुहाना और बहुत ही सुंदर दृश्य है उसे देखने आते हैं। तो बस यहाँ पर जितना घूमना था घूम लिया, उतना खास नहीं है यहाँ पर घूमने के लिए, इस वजह से यहाँ पर उतनी ज़्यादा भीड़ भी। अगर आप यहाँ घूमने आते हो तो आपको बोटिंग करनी है, तो आप क्यों किस भी लिए यहाँ पर आ सकते हो या फिर थोड़ी देर घूमने आ सकते हो। अदरवाइज आप नहीं आए तो भी चल जाएगा। तो वापस चल रहे हैं अपन, फिर यहाँ से निकलते हैं। That night. तो इस वीडियो को खत्म करने का समय आ गया है। हम लगभग बालाघाट पहुंच चुके हैं। यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नए हो तो सब्सक्राइब ठोको, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब करें, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना यार, और भाई के लिए थोड़ा सा शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल। और
आने वाले समय में कई सारे ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं तो।